मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के ब्लॉग में। आज है वट सावित्री, तो सबसे पहले आप सभी को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम नहा धो के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा की तैयारी करने। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि हम पूजा की तैयारी कैसे करते हैं। यहाँ पर हम पूजा की थाली सजा रहे हैं। मैंने फल को धो लिया है। फल हमारे यहाँ 5 तरह का होता है, इसमें जितने भी आपके सीजनल फ्रूट्स हैं आप सारे पूजा में चढ़ा सकते हैं। ये मैंने चने को फुलाया था, मैंने फ्लावर्स को भी अच्छे से धो दिया है। ये कलाकंद मैंने घर पे बनाया है क्योंकि अभी बाहर से हम लोग मिठाई नहीं मंगा रहे हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, इसकी रेसिपी हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। वट सावित्री की पूजा में पंखा महत्वपूर्ण होता है। जैसे शंकरा पार्वती जी का नाम लिखा जाता था ना, उसी तरह इस पे हम अपने और अपने पति का नाम लिखेंगे। तो देखिए फाइनली हमारी फैन रेडी हो गई है नाम लिख करके इस पे, और हम इसको इस तरह सूखने देंगे। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं छत पे और वहां से बरगद के पेड़ के पत्ते को तोड़ के आते हैं। तो फाइनली मैंने बरगद के पत्ते को तोड़ लिया है। ये आप देख सकते हैं ऊपर बादल कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए अब नीचे फटाफट से। सो फाइनली मैंने पूरी तैयारी कर ली। आप देख सकते हैं कि मैंने सारा चीज को अच्छे से धो देख के रेडी कर लिया है। फ्रूट्स, फ्लावर्स, पूजे के आइटम, चने, स्वीट्स, फैन। फ्रेंड्स आपने देखा कि हमने सारी पूजा की तैयारी कर ली, अब फाइनल पूजा करने के लिए रेडी होने जा रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं। ये देखिए मैंने पैर में आलता भी लगाया। फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ और ये देखिए मेरा वट सावित्री लुक। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके बताइए। हमारे बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है जहाँ मैं और मेरी फ्रेंड पूजा कर रहे हैं, और ये देखिए कृषु चेयर पे बैठ के आराम से देख रहे हैं। पार्वती जी ने कहा, ये देवताओं की भी देवता जगत के प्रति शंकर भगवान प्रभास क्षेत्र में। तो हम लोगों ने बरगद के पेड़ को घर में ही ला करके पूजा किया था, और ये देखिए हम लोग फेरी दे रहे हैं। फेरी आप 11, 21, 51 या 108 दे सकते हैं, और ये देखिए लास्ट में कृषि भी फेरी देने के लिए आ गया। फाइनली हम लोग पूजा करके घर आ गए हैं। उसके बाद हमने अपने पति के साथ कुछ रस्म किया। आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि आपके घर में किस तरह से पूजा होता है और कौन कौन से रस्म किया जाता है।
हमारी पूजा हो गई है खत्म और आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको हमारी वर्ड सावित्री की ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही कमेंट भी करें। सो जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।